तो यहाँ पे Xiaomi HyperOS के इंडिया के न्यू अपडेट्स Redmi Note 11 सीरीज़ के लिए इंडिया में बहुत ही जल्द यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। जैसा कि Xiaomi ने Redmi Note 11, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G, even Note 11 Pro Plus 5G के लिए भी HyperOS के लेटेस्ट अपडेट्स को यहाँ पे एक एक रीजन में तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रोल्ड आउट कर दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Redmi Note 11 Pro, Pro Plus 5G चाइना वेरिएंट की, जो कि 1.0.2.0 TKT CNXM के बिल्ड में ऑलरेडी रोल्ड आउट हो चुका है। और ये डिवाइस इंडिया में Xiaomi 11i के नाम से है और ग्लोबल रीजन में Redmi Note 11 Pro Plus 5G के नाम से है। सो इसके लिए HyperOS का स्टेबल अपडेट चाइना में ही रोल्ड आउट किया गया है और चाइना के साथ साथ एक और रीजन में रोल्ड आउट हो चुका है, जो कि है यूरोप रीजन, जो 1.0.2.0 TKT AUXM के बिल्ड में हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो ये स्टेबल अपडेट इंडिया में अप्रैल के मंथ तक हम सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ अगला स्मार्टफोन है Redmi Note 11, Note 11 के लिए 1.0.3.0 TGC MIXM ग्लोबल स्टेबल अपडेट ऑलरेडी रोल्ड आउट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग आर्टिकल क्रिएट कर चुका हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, और मैं इसके रिगार्डिंग लॉन्ग वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। और नोट 11 NFC के लिए भी ग्लोबल स्टेबल अपडेट 1.0.3.0 में रोल्ड आउट हो चुका है। सो अब इंडिया रीजन के लिए बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा, आपको अप्रैल के मंथ में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और अगला स्मार्टफोन है Redmi Note 11 E Pro, इसके लिए 1.0.1.0 चाइना स्टेबल अपडेट फुली रोल्ड आउट हो चुका है, यानी कि इस अपडेट की फास्ट बूट रोम भी अवेलेबल हो चुकी है। सो अब इस वाले अपडेट को यूरोप रीजन में रिलीज किया जाएगा, यूरोप के बाद ग्लोबल और ग्लोबल के बाद इंडिया रीजन। सो यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 11 सीरीज के HyperOS के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड है, जैसा कि यहाँ पे रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये डिवाइस इंडिया में Redmi Note 11 Pro प्लस 5G और पोको X4 Pro 5G के नाम से अवेलेबल है, और ग्लोबल में केवल Redmi Note 11 Pro 5G के नाम से। और इसी के साथ अगला स्मार्टफोन है Redmi Note 11 Pro 4G, इसके लिए Xiaomi HyperOS को ऑलरेडी रोल्ड आउट कर चुकी है 1.0.3.0 इंडिया रीजन में केवल बेटा टेस्टर्स के लिए, और ये अपडेट यहाँ पे 6 मार्च को रिलीज़ किया गया था। सो अब इस वाले अपडेट को नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा, अगर इस वाले बिल्ड में कोई भी मेजर इशू Xiaomi को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और Redmi Note 11S में ग्लोबल में 1.0.1.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट को रोल्ड आउट कर दिया था नॉर्मल यूजर्स के लिए, और इंडिया रीजन के लिए अप्रैल के मंथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस Xiaomi HyperOS फॉर Redmi Note 11 सीरीज? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ। और आप Redmi Note 11 सीरीज में HyperOS को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, सो कमेंट करके जरूर बताना, और अपना फेवरेट फीचर भी कमेंट में जरूर डाल देना। सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ टू नो द मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेटेस्ट Xiaomi HyperOS।